हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IFAS, इंडियाज नंबर वन इंस्टीट्यूट फॉर CSIR नेट, UGC नेट, सेट, RPSC एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस विच यू एस्पायर फॉर। सो टुडे माई सेल्फ हिमांशु एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर UGC नेट ज्योग्राफी, UGC नेट पेपर वन, सेट एग्जामिनेशंस, PSCs, वेरियस PSCs, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, इनके अंदर ये टॉपिक जो है प्रेविलेंट होता है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं जल्दी से जुड़ जाइए, शेयर कीजिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऑलराइट, तो वाटर पॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट? नाम में ही पॉल्यूशन, वाटर का पॉल्यूशन, जो हम लोग जल जिसको हम लोग पीते हैं, हम लोग शॉवर के लिए यूज करते हैं, हमारे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए कर रहे हैं, और इंडस्ट्रीज में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, ये जो पॉल्यूशन, ये जो वाटर है जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, ये तो क्लीन वाटर है। ऑलराइट, बट अगर इस पानी के अंदर कंटामिनेशन हो जाए, मींस हमारे द्वारा या फिर नेचर के द्वारा इसके अंदर अननेसेसरी एलिमेंट्स एंटर कर जाएं, जो कि हमारी बॉडी के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अगर वो नुकसान पहुंचा दे, एक्वाटिक जो एयर ऑर्गेनिजम्स है उसको नुकसान पहुंचाए, तब क्या करते हैं, उसे वाटर पॉल्यूशन का नाम दिया जाता है, जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो उस वीडियो को जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एयर पोल्यूशन था, वाटर पोल्यूशन है। हम लोग इसी तरह इस हफ्ते, पूरे हफ्ते हम लोग पोल्यूशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, सोयल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन, तो इस तरह के जो सारे प्रदूषणों में से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हमारे रिलेवेंट हो जाते हैं। ऑलराइट, तो सभी लोग जुड़ गए हैं। ऑलराइट, कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आवाज सही आ रही है, आपको दिख सही रहा है, सब कुछ ओके है, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। जल्दी से जुड़ जाइए, अभी स्टार्टिंग होता है तो नोटिफिकेशन पहुंच रहा होता है आप लोगों के पास, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं जस्ट फॉर यू। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एयर पोल्यूशन पढ़ा था, उस टॉपिक में से किसी को भी कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है कल वाले सेशन में से, हम स्टार्ट करते हैं फिर, वाटर पोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चल देखिए स्टूडेंट्स, तो बेसिकली मैंने आपको डेफिनेशन बता दी इसकी कि किस तरह से होती है ना, वाटर बॉडीज का कंटामिनेशन। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये नाला है, ये एक तरह से हमें पता है कि इंडस्ट्री से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है इसका पता है। तो वाटर पोल्यूशन के भी अलग अलग तरह के पॉइंट ऑफ सोर्स होते हैं, अभी इनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो वाटर के बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा सा, जो हम लोग जल पीते हैं, हमारे आसपास जो भी पानी मौजूद है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, अब जो भी आप ये पानी देख रहे हो ना आसपास, वो अभी का नहीं है, बहुत बार ये रिसाइकल हो चुका है और बहुत पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि जो डायनासोर का काल जो होता है, जैसे कि उसको कहते हैं जुरासिक पीरियड। क्या कहते हैं? जुरासिक, एज यू कैन सी, जुरासिक पीरियड, जहां पर डायनासोर फुल फ्लेज थे, और इससे पहले वाला जो काल है वो बोला जाता है ट्रायसिक, जहां पर पहला डायनासोर, बेसिकली जो डायनासोर थे उनका ओरिजिन हुआ था ट्रायसिक के अंदर, और जो जुरासिक है उसके अंदर पूरी तरह से जायंट जायंट डायनासोर्स हम लोगों को मिल गए थे। और ये कैसे पता चला? हम लोगों ने जब एक्सकेवेशन के माध्यम से जो स्केलेटन्स मिले हैं, इसके बेसिस पर हम लोग इनको देखते हैं। ओके, और क्रेटाशियस पीरियड में ये माना जाता है कि जो डायनासोर्स हैं इनका एक्सटिंक्शन हो गया था।
ये कहा जाता है कि जो ये जल है हमारा, जो पृथ्वी पर जो जल है वो डायनासोर थे उस टाइम से है। तो डायनासोर है वो 200 to 250 million years ago मौजूद। ठीक है, अब हम लोग जो पानी देख रहे हैं हमारे धरती के ऊपर, तो 70.8 बेसिकली हम लोग इसको राउंड ऑफ में कर कर 71% जो हमारे वाटर है प्रेजेंट है कहां पर, अपनी धरती के ऊपर। ठीक है, और 29% वो जमीन है, लैंड मास है, और 71% हमारे वाटर से पूरी तरह से पृथ्वी घिरी हुई है ना। अब वो जो लैंड है 21% लैंड, उसके अंदर भी 12% जो लैंड है वो एग्रीकल्चर में यूज ली जाती है, 10% एंड वो अंडर कन्वर्जन, मतलब अभी जैसे फॉरेस्ट है तो उसको एग्रीकल्चर लैंड में किया जा रहा है, या फिर बाद में कोई एग्रीकल्चर लैंड थी या फिर खाली पड़ी हुई जमीन है उसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे रोड हो गया, रेलवे, बिल्डिंग्स, हाउसिंग सोसाइटीज, इस तरह से। और जो ह्यूमन हैबिटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 0.05% है, मतलब हम लोग जितनी लैंड के ऊपर रह रहे हैं वो सिर्फ पूरी धरती का 0.05% ही है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से वाटर का कंपोजिशन है कि कितना कितना पानी, कितना पानी है और कितनी लैंड मास है। तो 71% हमारा जो पृथ्वी है पानी से घिरी हुई है, और उस 71% के अंदर से है ना, 71% वाटर है, उस 71% जो वाटर है उसके अंदर से भी जो ओशियंस हैं वो है 97%। कितने हैं, 97% ओशियन है, जो कि उसका जो पानी है हम लोग किसी भी चीज में यूज नहीं ले सकते। ऑलराइट, और 97% ओशियन है, ओशियन वाटर हम लोग यूज नहीं ले सकते हैं। और जो बचा तीसरा कौन सा है, फ्रेश वाटर, 3% है फ्रेश वाटर। उस फ्रेश, वो फ्रेश वाटर किन किन चीजों में डिवाइडेड है, जो 3% पानी जो पीने लायक है उसके अंदर से 70% जो पानी है वो आइस कैप्स में और ग्लेशियर्स के अंदर मौजूद है। ये चीजें याद रखनी है, ये जो डेटाज हैं आपको थोड़े थोड़े याद रखने हैं। तो जो फ्रेश वाटर 3% है उसमें से 70% आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में। अब हम लोग इनको थोड़ी यूज करते हैं, इनको नहीं यूज करते, दिस इज द नेचुरल थिंग। ऑलराइट, वेलकम ओमकार, ऐश्वर्या, आरुषि, सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो एंड तक जुड़े रहिएगा, हम लोग जो क्वेश्चंस है मैं साथ साथ में बताता चलूंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट में, सेट में, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो डेटाज हैं ये जरूर थोड़ा थोड़ा याद रखना है, एग्जैक्ट राउंड ऑफ में याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा क्ल्यू होना चाहिए। आपको ये पूछ लेंगे जो फ्रेश वाटर प्रेजेंट है हमारे धरती के ऊपर उसमें से आइस कैप्स, रिवर वाटर, ग्राउंड वाटर ये कितने कितने हैं, या फिर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस के अंदर अरेंज कीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब 70% आइस कैप्स है, ग्राउंड वाटर 29% जो हमारे धरती के अंदर जो क्रस्ट के नीचे मौजूद है जो रिजर्वोयर वो है 28%। ठीक है, और अब ये ग्राउंड वाटर भी हम एक्सेस नहीं कर सकते, हम लोगों को कुआ खोदना पड़ेगा, बोरवेल्स लगानी पड़ेगी, ट्यूबवेल्स लगानी होगी, उसके बाद में हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, है ना। ऐसे नहीं कि गए और पानी पी लिया, इसमें मेहनत लग रही है। आइस कैप्स और ग्लेशियर्स को हम लोग छेड़ते नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों इतना सारा जो परसेंटेज है बेसिकली आप देख पा रहे हो कि 99% जो पानी है वो हमारे एक्सेस में ही नहीं है। हमारे पास जो पानी एक्सेस में है दैट इज ओनली 1%, जो हम लोग पानी पीते हैं, जो आप झील में, नदियों में जो देखते हैं ना, वो सिर्फ पानी है 1%। और उस 1% में भी 52% जो फ्रेश वाटर है वो लेक्स में मौजूद है, 38% सॉइल के अंदर मौजूद है एज ए मॉइस्चर। मॉइस्चर किसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, मॉइस्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, अवर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, 1% जो है वाटर वेपर, और हमारे अंदर जो लिविंग बींग्स में भी तो वाटर वेपर होता है ना, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इनके अंदर जो पानी है वो है 1%, एंड रिवर्स के अंदर प्रेजेंट है ओनली 1%। ठीक है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको देखकर अचंभित करें कि अच्छा इस तरह से होता है। तो आपको ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा अच्छे से देखना है कि हम लोग ओशन से स्टार्ट हुए थे और लास्ट में आते आते हमारे पास जो पानी बचा है पीने के लायक वो देखो किस तरह से है। हम लोग पानी किससे पीते हैं, रिवर से पीते हैं, है ना, झील से पीते हैं,
और आपको अब इसका आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हम लोग रिवर्स और लेक्स इनको भी पोल्यूट कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, हमारे पास पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही सोर्स है और हम इन्हें भी पोल्यूट कर रहे हैं, तो फिर हम आगे आने वाले समय में क्या पियेंगे। ठीक है रेशमा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। आप भी कमेंट करके बताइए कि जो आपके आसपास के जो सोर्सेज हैं वाटर के वो कितने ज्यादा क्लीन है कि नहीं है, और आपको कुछ चेंज होता हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि आने आने वाले समय के अंदर आपके जो आसपास की जो वाटर बॉडीज हैं वो क्लीन होगी या फिर और ज्यादा हम लोग उसको गंदा करेंगे। ठीक है कमेंट में सब लोग मुझे बताइएगा। अब देखिए आपने देखा कि ग्राउंड वाटर क्यों लिया गया है, आपको मैं फैक्ट बता दूं कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला पानी है वो ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर से हम लोग पानी को लेकर आते हैं, क्योंकि आपको पता है नदियां नहर ये हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो इसलिए व्हाट वी डू, गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स बोरवेल्स के माध्यम से ग्राउंड वाटर को यूज करके वाटर सप्लाई करती है, और हमारे इसी पानी से हम लोग इरिगेशन फैसिलिटी जो कि एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। ठीक है अब आप खुद सोचिए, ग्राउंड वाटर है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, अगर हम लोग ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूज करेंगे और ग्राउंड वाटर को भरेंगे नहीं वापस, रिफिल नहीं होने देंगे। रिफिल कैसे होता है ग्राउंड वाटर, रेनफॉल से होता है। जो मेन रिफिल रिफ्यूल करने वाला, जो नीचे जो हमारे टैंक्स बने हुए हैं, नेचुरल टैंक्स बने हुए हैं जहां से हम लोग पानी उठाते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको वापस भरने के लिए रेनफॉल की जरूरत है, और आपको पता है रेनफॉल के अंदर भी ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्या हो रहा है, इररेगुलरिटी आ रही है, अकाल की जो समस्या है वो ज्यादा बढ़ रही है। ऑलराइट और दूसरा ये कि हम लोग जो अर्बन प्लानिंग करते हैं, जो शहर आजकल तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि जो रेनफॉल होती है, जो रेन होती है वो अंडरग्राउंड में चले जाए, है ना, ग्राउंड के अंदर चले जाए। आपने देखा होगा कि कई कई शहरों में तो आपको मिट्टी तक नहीं मिलेगी, अगर आप मेट्रोपोलिटन सिटी से हैं। कौन कौन मेट्रोपोलिटन सिटी से है बताइए, आप आसपास अगर आपको मिट्टी चाहिए तो आप पार्क में ढूंढने जाएंगे, आपके आसपास घरों में किसी भी तरह की मिट्टी मौजूद नहीं है। तो वो जो पानी आपके आता है, आजकल जो सड़कों पर पानी बह रहा होता है वो उसको जाने की जगह ही नहीं, कई कई दिनों तक वो सड़कों पर रहता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमारे ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से लॉक्ड है, ढंग से नहीं बने हुए हैं, उसके कारण जो पानी है वो नीचे नहीं जा पाता है, और वो पानी अगर ग्राउंड में नहीं जाएगा तो हम लोग जो ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर किसमें यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ग्राउंड वाटर का यूज सबसे ज्यादा कहां किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस या फिर एग्रीकल्चर पर्पस। तो आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करके आना था वो एग्रीकल्चर करके आना, तब आपका सही होता, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जामिनेशन के अंदर। दूसरा ये है कि जो ग्राउंड वाटर के जो सोर्सेज होते हैं, ग्राउंड वाटर को रिफिल करने वाले सोर्सेज सबसे ज्यादा बेसिकली रेनफॉल होती है। ठीक है तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। ओके आगे बढ़े बताइए। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारी जो ये सीरीज चल रही है भूमि बोध सीरीज, इसमें हम लोग जो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हम लोग सिलेबस को साथ में रखते हैं और टॉपिक्स चूज करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में इनकी संभावना सबसे ज्यादा रहती है, उन टॉपिक्स को मैं लेकर चल रहा हूँ इस सीरीज के अंदर भूमि बोध सीरीज में। इस सीरीज की लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। ऑलराइट और साथ ही साथ आपको इस लेक्चर का पीडीएफ और डेली के जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, ये जो लेक्चर है वाटर पोल्यूशन से, इससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे एट द एंड ऑफ लेक्चर, बेसिकली आईएफएस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है चलिए अब हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन के बारे में जाना, डेफिनेशन के बारे में जाना, थोड़ी जानकारी ली। अब ये देखते हैं कि जो वाटर पोल्यूशन है ये आता कहां से, होता क्यों है। ठीक है हमको थोड़ा तो पड़ा है कि हम लोगों ने कूड़ा डाल दिया, है ना, हम लोगों ने कुछ रैपर किया उसको दे दिया और वो ओशन में चला गया। ठीक है गंदा पानी है वो हम लोगों ने इसमें, जैसे इस तरह से देखो ये जो नाले हैं ये कोई इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आ रहा है,
विदाउट ट्रीटेड आ रहा है और ये पानी के अंदर मिक्स हो रहा है। इसी तरह के और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, रीजन होते हैं वाटर पोल्यूशन के, वो क्या क्या है उनको देखते हैं। देखिए एज यू कैन सी कि ये एक तरह से कोई झील है या कोई लेक है, कोई बीच है, और वहां पर इस तरह से पोल्यूशन हो रहा है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे अपने वाटर पोल्यूशन है। ये आता कहां से, देखो स्टूडेंट्स, वाटर पोल्यूशन दो सोर्स से आता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला सोर्स होता है पॉइंट सोर्सेस, ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं मैं आपको। पहला जो हमारा सोर्स है जहां से वाटर पोल्यूशन होता है उसे कहा जाता है पॉइंट सोर्स। अब ये पॉइंट सोर्स क्या होते हैं, पॉइंट सोर्स वो सोर्स होते हैं स्टूडेंट जिसका सोर्स हमें पता रहता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं, ये फैक्ट्री है मेरे पीछे, ठीक है। अब इस फैक्ट्री से हमें पता है कि इससे पोल्यूशन निकल, मतलब जो कंटामिनेटेड जो वाटर है वो निकलकर हमारे कहां पर हो रहा है, हमारे रिवर के अंदर फ्लो कर रहा है, इसका हमें लोकेशन पता है, ठीक है। दूसरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब हम लोग जो वेस्ट क्रिएट करते हैं, सीवेज जैसे हो गया, या फिर जो पोल्यूटेंट पानी होता है उसको जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर भेजा जाता है, और ये जो प्लांट है उस वेस्ट वाटर से अच्छा पानी निकालकर वापस सप्लाई कर देता है, पर जो जो पीछे रेसिड्यू बचता है वो भी हम लोग रिवर के अंदर डाल देते हैं। तो इसका भी सोर्स पता चल गया, ठीक है। कशिश, यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये समझ में आया आपको स्टूडेंट, पॉइंट सोर्स क्या होता है, पॉइंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिन्हें, जिनका सोर्स कि कहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है पोल्यूटेंट पता हो हमको, ठीक है। चलिए, जैसे कि इंडस्ट्रीज, जब इंडस्ट्री कुछ भी डिस्पोज करती है, डिस्चार्ज करती है, कि उसकी लोकेशन हमें पता रहती है कि उस फैक्ट्री से, फला फैक्ट्री से आ रहा है। दूसरा ये है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होते हैं हमारे घर से कलेक्ट कर जो कूड़ा डालते हैं उनका भी सोर्स पता रहता है। तो दोज आर कॉल्ड पॉइंट सोर्सेज। एंड द सेकंड इज नॉन पॉइंट, देखो ये वाले सोर्सेज, ये वाले सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं कि जो इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। जैसे कि मैं एग्जांपल इसका अगर लूं तो ये देखिए, सबअर्बन डेवलपमेंट, सबअर्बन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे जो सिटीज होती हैं वो ग्रो हो रही हैं धीरे धीरे, तो यहां प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वहां पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहां पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है कोई भी, देखो यहां से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है उसका कोई भी बीच में कोई फिल्टर नहीं है। अब जैसे मान लो नो, ये पॉइंट्स ये है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसका तो हमें पॉइंट पता है। तो देखो ये जो पानी है वो जब इसमें आएगा तो कुछ पानी है जो कंटामिनेटेड वाटर होता है उसको ट्रीट किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, फिर रिवर के अंदर डाला जाता है। बट ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है कि अनप्लान्ड सिटी है, ढंग से प्लान, सिटी की प्लानिंग नहीं की, ढंग से ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो यहां का पानी डायरेक्ट हमारी रिवर के अंदर मिक्स हो रहा है। तो इसका सोर्स नहीं पता है कि पानी आ कहां से रहा है, ठीक है। दूसरा है सिटी स्ट्रीट्स, जो हमारे नाले होते हैं सिटीज में, उनका भी कोई सोर्स नहीं है, कहां से पानी आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ आइडिया नहीं, तो ये भी नॉन पॉइंट सोर्स में आता है। दूसरा है रूरल होम्स, वहां सब कम से कम सिटीज में नाले तो हैं, रूरल होम्स में तो, गाँव में तो नाले भी नहीं होते, तो वो ओपन ही एक तरह से जो है वहां पर पानी का डिस्चार्ज होता है, तो वो तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, उससे वाटर बोर्न डिजीज भी हो सकती है। खुले में अगर पानी रहेगा तो वो डिजीज को न्योता देगा। तीसरा है स्टूडेंट क्रॉप लैंड्स, यहां से क्रॉप से कैसे आएगा, आपको एक मैं टर्म बता दूं, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। हम जब क्रॉप उगाते हैं, जब सो करते हैं, तब क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग पेस्टिसाइड्स डालते हैं, जो पेस्ट्स को, इंसेक्ट्स, जो अननेसेसरी इंसेक्ट्स होते हैं उनको भगाने के लिए, उनको मारने के लिए हम लोग केमिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसकी प्लांट्स की जो क्रॉप्स हैं इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब उस फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। आपको पता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो इनके अंदर जो नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, वो बहकर किसमें आ जाता है, बहकर आ जाता है हमारी रिवर्स के अंदर। अब इसका कोई भी सोर्स नहीं है, कहां से, कहीं से भी आ सकता है,
तो बेसिकली ये इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर रन ऑफ, कि एग्रीकल्चर के माध्यम से हमारी रिवर पोल्यूट हो रही है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, और उस जो हमारी एग्रीकल्चर से रिवर पोल्यूट होती है, वाटर पोल्यूट होती है, उस को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन. व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन मींस कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं अपने फास्फोरस नाइट्रोजन, ये जब रिवर्स में आते हैं और इनको कौन कंज्यूम करता है? जो रिवर में रहने वाले एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं वो इसको कंज्यूम कर लेते हैं. एल्गी, यहां पर क्या है? एल्गे मौजूद है, फाइटोप्लैंक्टन्स मौजूद है, फाइटोप्लैंक्टन्स. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स का यूज करके ग्रो कर जाते हैं, बहुत सारे ग्रो कर जाते हैं पानी के अंदर. अब पानी के अंदर अगर ज्यादा एल्गे पैदा हो जाए, एल्गे मतलब हम इसको हिंदी में बोलते हैं सिवाल, जो ग्रीन ग्रीन कलर की आपने देखा होगा झीलों के ऊपर पूरी तरह से ग्रीन ग्रीन लगता है, लगता ही नहीं कि पानी है क्या, ऐसा लगता है कि जमीन होगी, कोई घास उगी हुई होगी, उसको कहा जाता है एल्गे. जब ये एल्गे एग्रीकल्चर से आने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेकर खाना बनाती है तो वो ग्रो करते हैं, और जब वो ग्रो करेंगे तो ऑक्सीजन के अंदर जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको सारा को सारा कंज्यूम कर लेगी. अब आपको बताया वहां पर फिशेस भी मौजूद है, टर्टल्स भी मौजूद है, सी होर्सेस भी मौजूद है, शार्क्स भी मौजूद है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मौजूद है. अब सारी की सारी जो ऑक्सीजन है वो एल्गे और फाइटोप्लैंक्टन्स ने कंज्यूम कर ली. अब यहां पर ऑक्सीजन बची नहीं, और आपको पता है एल्गे पूरी तरह से सरफेस को भी कवर कर लेता है, तो हुआ क्या, उससे ना तो बाहर वाली ऑक्सीजन इसमें डिजॉल्व हो रही है और ना ही जो अंदर वाली ऑक्सीजन है वो एल्गे ने सारी कंज्यूम कर ली. इससे क्या हुआ, इससे जो यहाँ की जो फिशेज हैं वो डेड हो गई, ठीक है, यहाँ के जो टर्टल्स हैं वो डेड हो जाएंगे, या तो चले जाएंगे यहां से या फिर यहां का पूरा जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, और यूट्रोफिकेशन क्या है, एक वाटर पोल्यूशन का एक प्रकार है. अंडरस्टूड? ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर आप इस सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जो यूजफुल नॉलेज है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है वो हम लोग रोज लेकर आते हैं. ठीक है, 6 बजे यहां पर आप रोज जुड़ जाइएगा, जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक ये सीरीज चलती रहेगी. ऑलराइट, अब देखिए तो समझ में आ गया, पॉइंट सोर्सेज एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज, ये आपको याद रखने हैं. उसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, एसिड रेन, एसिड रेन कैसे बनती है? एसिड रेन भी एक वाटर पोल्यूशन का प्रकार है, और कल हम लोगों ने जब एयर पोल्यूशन पढ़ा था तब मैंने बताया था कि एसिड जो रेन होती है वो दोनों प्रकार की, एयर पोल्यूशन भी एसिड रेन में आया है एसिड रेन, और जब वो एसिड पानी के अंदर मिक्स होता है तब वो एक तरह से हमारी फिशेस को डिस्ट्रॉय कर देता है. तो बेसिकली एसिड रेन बनती कैसे है, मैं वापस रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, कि हमारे पावर प्लांट्स और जो व्हीकल के अंदर से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो ये जो गैसेज हैं ये जब रिलीज होती हैं ऊपर और वाटर वेपर के साथ मिक्स होकर हमारे हवाओं के माध्यम से दूसरी जगह चली जाती है और ऊपर बादल बन जाते हैं, बादलों के माध्यम से जो रेनफॉल होती है वो नीचे की तरफ बरसात हो जाती है, और जब बरसात होती है तो कौन कौन से एसिड नीचे आते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड स्टूडेंट्स, और ये है नाइट्रिक एसिड HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड. तो आपको कल को पूछ लें कि एसिड रेन के अंदर जो एसिड्स होते हैं उनके नाम क्या हैं, तो उनके नाम है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, अब देखिए जैसे ये HNO3 और H2SO4 हमारी पृथ्वी पर आएंगे तो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे. ठीक है, और ये जो पानी है ये कंटामिनेटेड पानी बहकर वापस जब नदी में आकर मिक्स होगा तो यहाँ की जो फिशेज होती हैं उनको मार दे. ठीक है, तो ये है एसिड रेन, इसलिए ये डेंजरस होती है. और साथ ही साथ कल हम लोगों ने ताजमहल का एग्जांपल लिया था कि जब ये H2SO4 और HNO3 ताजमहल का जो मार्बल है उसके साथ में रिएक्ट करते हैं तो ताजमहल को वो लोग जो व्हाइट मार्बल है उसको वो लोग येलो कन्वर्ट कर रहे हैं. तो बेसिकली जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना वो ज्यादा खतरनाक है, कि सल्फ्यूरिक एसिड के कारण जो ताजमहल का जो कलर है वो धीरे धीरे फेड हो रहा है. ऑलराइट, अब अगर आपसे ये पूछूं
कि जो एसिड रेन है वो पॉइंट सोर्स का प्रकार है कि नॉन पॉइंट सोर्स का प्रकार है? इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि एसिड रेन इज ए पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स। ओके, मैं आपका वेट करूंगा। ऑलराइट, कमेंट बॉक्स में सब लोग बताना। आगे बढ़ने से पहले 9th ऑफ अक्टूबर से हमारे क्रैश कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं यूजीसी नेट और सेट के लिए। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कम समय बचा है, 6 दिसंबर से आपके एग्जाम चालू हैं, 28 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो जाकर जरूर भर लीजिए, और एग्जाम फॉर्म को फिलअप नहीं करना आ रहा है तो यूजीसी नेट ज्योग्राफी चैनल पर ही मैंने वहां पर एग्जाम फॉर्म को कैसे फिलअप करना है आप खुद से फिलअप कर सकते हो, वो मैंने वीडियो है इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो आरपीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो भी यूजीसी नेट ज्योग्राफी को सर्च करके उसको भर सकते हैं, सेट के हैं वो भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। बड़ा ही इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, और जितना जल्दी हो सके उसको कर देंगे तो सिटी आपको मनचाही मिल जाएगी। चलिए, तो ये जो कोर्स है ये इसी हिसाब से डिजाइन किया गया कि आपको टाइम कम है, 2 महीने भी नहीं है, है ना, हम लोग जो है 60 डेज से भी कम अब चल चुके हैं। तो बेसिकली हमारा मोटो ये है कि आपको 50 या जो 55 डेज है हमारे, इसके अंदर पूरी तरह से ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके पेपर 1 से लेकर कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड ऑब्वियसली द ज्योग्राफी, इसके बारे में आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करवा दिया जाए। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट ने ये अभी तक किसी भी तरह से तैयारी नहीं कर पाए हैं या फिर उनको और अच्छे से उनकी तैयारी को सुदृढ़ करना है, अच्छा सा करना है, तो आप इन बैचेस को क्रैश कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, तो इस नोटिफिकेशन को लेकर अभी तक जैसे कोई डेट फिक्स नहीं हुई कि इस तारीख को एग्जाम होने वाली है, तो जिन्होंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है वो भी जो आईएफएस के द्वारा जो बैचेज हैं उनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि वाटर जो पोल्यूशन है वो कैसे कैसे इफेक्ट करता है। ऑलराइट, अब देखिए सबसे पहला आपके सामने जो डायग्राम है ये क्या है, मछली कहां से आ गई, क्या हो रहा है ये? देखिए, जो हमारे कोल के प्लांट्स होते हैं, जो कोयले के प्लांट्स होते हैं जहां पर हम लोग कोयला जलाकर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो, और साथ ही साथ वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, इसके अंदर से मर्क्यूरी निकलता है। क्या निकलता है? मर्क्यूरी निकलता है। और हम लोग जो माइनिंग करते हैं, जो हमारी खदानें होती हैं जिनसे हम लोग मिनरल्स को निकालते हैं, उनके अंदर भी लेड प्रेजेंट होता है। ठीक है, मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है, लेड प्रेजेंट होता है, तो वो जो मर्क्यूरी अगर वो बहकर अगर किसमें आ जाए, हमारे वाटर बॉडीज के अंदर आ जाए, तो वो है अपनी जो कंपोनेंट है, जो कंपाउंड बनता है उसे कहा जाता है मिथाइल मर्करी। क्या कहा जाता है? मिथाइल मर्करी कहा जाता है। और ये जो मिथाइल मर्करी होती है ये छोटी छोटी फिशेज हैं कंज्यूम कर लेती है। इस छोटी फिश को बड़ी फिश कंज्यूम करेगी, इस बड़ी फिश को ये वाली बड़ी फिश कंज्यूम करेगी, और इस जो छोटी फिशेज हैं इस तरह से फूड चेन बनती हुई जा रही है। आपको दिख रहा है फूड चेन? अब आप सोचिए, ये जो फिश है, छोटी वाली जो फिश है, ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा रही है। ठीक है, इसके अंदर जो मर्क्यूरी थी वो कम थी, है ना, जो मर्क्यूरी जो आई है जिसको बोलते हैं मिथाइल मर्क्यूरी, वो इस छोटी फिश के अंदर कम अमाउंट में होगा। फिर जैसे इस छोटी फिश को बड़ी फिश खाएगी, और ऐसे तो है नहीं कि बड़ी फिश एक ही फिश को खाएगी, जो ये वाली फिश है जिसको यहां पर लिख रखा है ट्राउट या टूना, बहुत फेमस ये फिश है, जब ये ट्राउट सैल्मन को खाएगी तो ऐसे तो नहीं कि एक को खाएगी, खूब सारी फिशेस को खाएगी, तो उसके अंदर मर्क्यूरी की मात्रा और बढ़ जाएगी। और जब शार्क ट्राउट को खाएगी, टूना को खाएगी, तो आपको पता है कि शार्क ऐसे तो यानी कि एक ट्यूना को खा के उसका पेट भर जाएगा, तो उसको खूब सारी उसको ट्यूना खानी होगी। अब इससे क्या हो गया, मर्क्यूरी जो इतनी सी थी वो खूब सारी एक्यूमुलेट हो गई शार्क के अंदर। अब इसे कहा जाता है स्टूडेंट बायो एक्यूमुलेशन, मतलब ये जो मर्क्यूरी थी वो एक्यूमुलेट होते 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 होते, अब आपको पता है ट्यूना फिश तो हम लोग भी कंज्यूम करते हैं, तो जितनी ज्यादा हम लोग ट्यूना को कंज्यूम करेंगे उतना ही ज्यादा मिथाइल मर्क्यूरी हमारे अंदर डिपॉजिट होता हुआ चलेगा, उसे कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन। और ये जो इंक्रीज हो रहा है,
रहे हो, छोटी मरकुरी थी, इतनी सी थी, उसके बाद में वो लास्ट में पहुंचते पहुंचते फूड चेन में खूब सारा एक्यूमुलेशन हो गया, उसे कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। तो ये जो दो टर्म्स मैंने जो बोली है ना, आपको जरूर याद रखनी है, बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। मैं लिख भी देता हूं, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है। यहां तक किसी को भी कोई परेशानी हो मुझसे पूछ सकता है। क्या पूछ रहे हो? एक बोल रहे कि सर बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन वापस रिपीट कर दीजिए। देखिए, बायो एक्यूमुलेशन ग्रेजुअल, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका ग्रेजुअल बिल्डअप होता है। क्या होता है? ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ किसका? टॉक्सिन्स का और केमिकल्स का। ठीक है, बायो एक्युमुलेशन होता कैसे? ये जब होता है स्टूडेंट कि हमारा, हमने कंज्यूम तो ज्यादा कर लिया है ना, हम लोगों ने मेटाबोलाइज तो ज्यादा नहीं, मतलब कंज्यूम ज्यादा कर लिया, उसको पचा नहीं पाए, उसको निकाल नहीं पाए, जो एक्सक्रीटा होता है उसके माध्यम से निकल नहीं पाया, तो वो जो एक्युमुलेशन होता है उसे बायो एक्युमुलेशन कहते हैं, कि जितना हम लोगों ने कंज्यूम किया, ठीक है, जितना कंज्यूम करने के बाद में हमारी बॉडी ने अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाई, उससे उससे पहले हम लोगों ने वापस ईटअप कर लिया, ठीक है, वापस उसको अब्जॉर्ब कर लिया, और उतना हम लोग एक्सक्रीटा के द्वारा, स्वेटिंग के माध्यम से निकाल नहीं पाए, तो वो होता है बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन हमारे श्वास के माध्यम से हो सकता है, हमारे खाने के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, और हमारे मसल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर ये प्रेजेंट रहता है, बायो एक्यूमुलेशन इसको कहते हैं। ठीक है, अब आती है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन जो आपके सामने जो डायग्राम है ना स्टूडेंट, ये बायो मैग्निफिकेशन का प्रकार है, कि जैसे जैसे फूड चेन में ऊपर की तरफ जाता जाएगा वैसे वैसे बायो एक्यूमुलेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो बेसिकली बायो मैग्निफिकेशन एक बड़ी टर्म है, बायो एक्यूमुलेशन जो है बायो मैग्निफिकेशन का ही एक प्रकार है। ठीक है, ये है डिफरेंस दोनों के अंदर। तो बेसिकली आपको पता है कि जो छोटी सलमान और ओयस्टर था, इसके अंदर ऑलरेडी बायो एक्यूमुलेशन हुआ हुआ था, और फिर जैसे इसको ट्यूना ने कंज्यूम किया तो वो बायो एक्यूमुलेशन उसके अंदर शिफ्ट हो गया और इंक्रीज हो गया, उसे कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। नाम ही मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जो हम लोग लेंस यूज करके मैग्निफाई कर देते हैं, किसी चीज को बड़ा कर देते हैं, दैट इज इट। ऑलराइट, चलिए, गुड। फिर आते हैं स्टूडेंट्स डायोक्सिन्स। हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा हम लोगों ने मिथाइल मर्क्यूरी, जो कि एक मेन जो है वाटर पोल्यूटेंट है। दूसरा वाटर पोल्यूटेंट है हमारा डायोक्सिन्स। डायोक्सिन्स कहां से आते हैं? डायोक्सिन इंडस्ट्रीज और जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उससे डायोक्सिन बनता है, और ये जो डायोक्सिन होता है और कौन कौन से तरीकों से होता है? वोल्केनिक इरप्शन और फॉरेस्ट फायर्स, पेपर, पेस्टिसाइड्स एंड स्टील के इंडस्ट्रीज के जो बायो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे डायोक्सिन निकलता है। हम लोग जो पीवीसी और प्लास्टिक्स को जलाते हैं उसकी वजह से डायोक्सिन्स निकलते हैं। दूसरा ये कि जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर, और जो ऑटोमोटिव का मतलब होता है हमारी कार, ट्रक्स, ओके, इनके अंदर से जो एमिशन निकलता है वो, और वेस्ट इंसिनरेशन का मतलब जो हम लोग वेस्ट को जला देते हैं, इन सब के माध्यम से डायोक्सिन्स रिलीज होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के। ठीक है, दूसरा है आर्सेनिक। आर्सेनिक ये भी एक तरह का वाटर पोल्यूटेंट है, जो कि हमारे 18% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन है वो आर्सेनिक युक्त पानी को पीती है रोज। सपोज करो हमारी 100 करोड़ जनसंख्या, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो 18 करोड़ जनसंख्या आर्सेनिक वाला पानी पीती, और आर्सेनिक है
वो भी एक तो आर्सेनिक नेचुरल नेचर के अंदर भी प्रेजेंट है हमारे, और दूसरा है कि जो हमारी इंडस्ट्रियल और जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है उसमें भी, उससे भी आर्सेनिक हमारे पीने वाले पानी के अंदर आ जाता है। और आपको आर्सेनिक वाला जो पानी होगा वो जनरली हर जगह मिल जाएगा, ठीक है, हमारे पूरे पैन इंडिया मौजूद है। इसीलिए देखो ये नंबर देखो डराने वाले हैं आपको, कि 18.8% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो आर्सेनिक पानी पीती है, और सबसे ज्यादा आर्सेनिक जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो है उत्तर प्रदेश, 70% जनसंख्या वहां की आर्सेनिक से परेशान है, ठीक है। फिर आते हैं हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स का मतलब जैसे लेड, कैडमियम, ये सारे जो नाइट्रेट, फ्लोराइड, आयरन, क्रोमियम, ये सारे के सारे वाटर पोल्यूटेंट्स हैं, ये बड़े ही खतरनाक होते हैं। ओके, तो आपको अगर पूछ लें कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स, तो आपको ये नाम लेने हैं, याद रखने हैं, लेड, क्रोमियम, कैडमियम, आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट और डाइऑक्साइड वगैरह, ठीक है। चलिए एक और रिपोर्ट है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा है, कि हमारे इंडिया के अंदर 100 मिलियन जो लोग हैं वो पुअर क्वालिटी वाले एरिया में रहते हैं, या फिर पुअर वाटर क्वालिटी हम लोग कंज्यूम करते हैं। 100 मिलियन, बेसिकली 100 मिलियन एक तरह से 1 बिलियन हो गया, और हमारी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इट इज 1.21 बिलियन, ठीक है। 2011 का जो सेंसस हुआ था हमारा, उसके अकॉर्डिंग 121 मिलियन लोग हैं हमारे, सॉरी 1.21 बिलियन, ठीक है। और इसके अंदर से जो 100 बिलियन लोग हैं वो परेशान है वाटर क्वालिटी, ठीक है। और अभी की जो पॉपुलेशन बताई जा रही है अकॉर्डिंग टू, अप्रैल के अंदर हम लोगों ने चाइना को ओवरटेक कर दिया, अप्रैल 2023 के अंदर हम लोगों ने चाइना को ओवरटेक कर दिया था। अभी जो पॉपुलेशन बताई जा रही है 1.45 बिलियन बताई जा रही है। सेंसस 1881 से लेकर अभी तक 2011 तक रेगुलरली हर 10 साल से हुआ है, पर अभी 2021 के अंदर जो सेंसस होने वाला था वो कोरोना के कारण क्या हुआ, पोस्टपोन्ड हो गया, और अब ये बताया जा रहा है कि 2024 में ये हो सकता है। पहली बार वो जो 10 ईयर की साइकिल थी वो टूट चुकी। अब हम लोग ये जो पानी पी रहे हैं, आर्सेनिक वाला, कैडमियम वाला, लेड वाला, और या फिर हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो ट्यूना फिश जिसके अंदर ऑलरेडी मिथाइल मरकरी मौजूद है, बायो अक्यूमुलेशन हुआ है उसके अंदर, उस फिश को अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और दीज आर द प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है उस कंटामिनेटेड वाटर, हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, हार्ट अटैक, बीपी जैसी समस्याएं होगी, रीनल, किडनी कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्लैडर कैंसर सॉरी, स्किन स्किन कैंसर हो सकता है। साथ ही साथ हमारा जो ग्लूकोज टॉलरेंट होती है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, डायबिटीज हमें हो सकती है। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा सांस लेने वाला जो सिस्टम है उसके अंदर टीबी, आपने सुना है टीबी और लंग कैंसर, तो बेसिकली कोई सी भी बीमारी नहीं बची है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी की सारी बीमारी हमारे वाटर, कंटामिनेटेड वाटर के कारण हो सकती है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या आ रही है स्टूडेंट, ये है प्रॉब्लम, ये जो मेजर प्रॉब्लम है, कि जो बच्चों के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, कि जब बच्चे बर्थ हो रहा है, उनका बच्चा जब जन्मता है तब उसके उसका जो वेट है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टिलिटी है, हम लोग कम करना चाहते हैं। इन्फेंट मोर्टिलिटी का मतलब होता है बच्चा जब बर्थ हो गया उसके बाद में उस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो इट इज देखा गया है कि वाटर के अंदर जो आर्सेनिक और जो ये लेड मरकरी मौजूद है, इनके कारण जो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर बहुत ही जो है नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। और साथ ही साथ आपको मैंने एक बार पहले भी बताया कि जो हमारी न्यूली जो मदर्स होती हैं उनके अंदर जो ब्रेस्ट जो मिल्क होता है उनका, तो वो उस मिल्क के अंदर प्लास्टिक्स पाए गए हैं। अब आप सोच लीजिए कि किस हद तक हमारी फूड चेन के अंदर जो प्लास्टिक्स हैं वो पेनिट्रेट कर चुके हैं। तो वो क्या है, वो वाटर पोल्यूशन के कारण ही आए। प्लास्टिक हमने सांस लेके तो आया नहीं, हम लोगों ने कंज्यूम किया है,
या तो पानी के अंदर आया है या फिर हमारी जो डाइट है, खाने वाली जो डाइट है उनके अंदर. तो इट इज अ डेंजरस साइन टू डू इट, राइट. आप लोगों ने कौन कौन से वाटर जो आप लोग कमेंट में करके बताइए कि वाटर पोल्यूशन के और कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट आप लोग आसपास अपने देख रहे हो. और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के अंदर पूछे जाते हैं और आपको वाटर पोल्यूशन ट्रैक करते रहना है, ठीक है. किसी भी तरह का जो रिसेंट में एक डेवलपमेंट हुआ हो वाटर को लेकर, कोई कन्वेंशन हुआ हो, कोई एग्रीमेंट हुआ हो, या किसी देशों के बीच में कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको MOU कहते हैं वो हुआ हो, उसको चेक करते रहना है. या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई इनिशिएटिव होते हैं वो आपको ट्रैक जरूर रखने, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. एक इंसिडेंट है, केस स्टडी में लेकर आया हूं, मीनामाता इंसिडेंट. अभी मीनामाता इंसिडेंट क्यों है, बड़ा ही फेमस इंसिडेंट है, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए. स्टूडेंट्स देखिए, आप ये देख पा रहे हो, इन बच्चों को देखिए, एज यू कैन सी इनका मतलब इनका जो बॉडी है वो डिफॉर्म्ड हो रखी है ना, डिफॉर्म्ड बॉडी है. देखो हाथ देखिए, कैन यू चेक इट. तो ये हुआ कैसे, एक्चुअली क्या हुआ स्टूडेंट, 1932 के अंदर एक फैक्ट्री थी जापान के अंदर, कौन सी सिटी में, मीनामाता. मीनामाता सिटी है, जापान के अंदर है. वो जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, बिना ट्रीट किए हुए, बिना उसको साफ किए हुए, बिना उसके अंदर से केमिकल्स हटाए हुए, वो उन्होंने डंप कर दिए कहां पर, अपनी सीज के अंदर, समुद्र के अंदर डंप कर दिया. अब मैंने आपको क्या बताया था, मिथाइल मरकरी. तो मिथाइल मरकरी इन लोगों ने डंप कर दी. और अब आप खुद देख लीजिए, मिथाइल मरकरी अगर हमारी बॉडी में चला जाए तो हमारी बॉडी में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है. तो मेन जो चीज होती है मिथाइल मरकरी से, वो होती है हमारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. तो ये आपको याद रखना है कि जो मिथाइल मरकरी के कारण सबसे ज्यादा हमारे शरीर के कौन से भाग को नुकसान पहुंचता है, वो होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है. अपना जो अगर इंडिया का कॉन्टेस्ट ले ले तो गंगा नदी, जिसको हम लोग लिविंग एंटिटी का भी ताब मिला हुआ है कि ये क्या है, एक लिविंग एंटिटी, हमारी माँ समान हम लोग इसको पूजा करते हैं. गंगा नदी इंडिया की सबसे पोल्यूटेड नदी में आती है और इसको साफ करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, नमामि गंगे. जो न्यूली गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने पहले से चल रहा था, इन्होंने 2014 के अंदर इसको नाम चेंज कर दिया, इसका नमामि गंगे रख दिया. तो नमामि गंगे कब लॉन्च हुई थी, 2014-15 के अंदर लॉन्च हुई थी. और ये क्यों हुई थी, गंगा नदी को वापस रिजुनेट करने के लिए हुई थी. तो ये आपको पूछा जा सकता है, याद रखना है कि नमामि गंगे प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 14 में स्टार्ट हुआ था, आप याद रख लीजिए. और इसके अंदर 344 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए थे और 147 कंप्लीट हो चुके हैं. ये डेटा है जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस, ठीक है. चलिए साथ ही साथ जो हमारे कंट्री की जो रेगुलेटिंग एजेंसीज होती हैं वाटर क्वालिटी को जांचने के लिए, वो है ये सारी. सबसे जो मेन एजेंसी है वो है CPCB, उसे कहा जाता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दूसरा है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, जो कि स्टेट के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं. सीबी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो तो पूरे अपने किसका है, अपने पूरे कंट्री का है, सेंट्रल एक बॉडी है. स्टेट वाली स्टेट में काम करती है. दूसरा है पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और सेंट्रल वाटर कमीशन. सेंट्रल वाटर कमीशन का एक और काम है स्टूडेंट, ये जो कमीशन होता है ये फ्लड्स जो होती है उनके बारे में भी जानकारी देता है. जब फ्लड्स आ रही होती हैं, किसी भी स्टेट में आने के चांसेस हैं, जैसे अभी नॉर्थ सिक्किम के अंदर बादल फटा था लनोहक लेक के ऊपर, तो तीस्ता नदी का जो पानी है उसका जो वाटर लेवल है वो राइज हो गया था. तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक ये एडवाइजरी जारी की थी कि वो जो पानी है वो अपने बंगाल में भी जा सकता है और बांग्लादेश में भी जा सकता है. तो उन दोनों के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन ने एडवाइजरी जारी की थी. तो सेंट्रल वाटर कमीशन फ्लड से भी रिलेटेड है. तो आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फ्लडिंग से रिलेटेड इन चारों में से कौन सी है, तो आपको CWC करके आना है, ठीक है. ये आंसर एकदम करेक्ट है. साथ ही साथ स्टूडेंट
स्वच्छ भारत अभियान भी हम लोगों ने लॉन्च किया था, कब किया था, 2 अक्टूबर 2014, ये आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था लॉन्च, किसके किन के द्वारा किया गया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके। और ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में स्वच्छ भारत अभियान आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। ये मिनिस्ट्री तो आती है अर्बन अफेयर्स में, मतलब शहरों के अंदर स्वच्छ भारत को मैनेज करने वाली जो मिनिस्ट्री है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और रूरल गांवों के अंदर जो मिनिस्ट्री हैंडल करती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि एक ही मिनिस्ट्री दोनों अर्बन और रूरल को हैंडल नहीं कर रही है, अलग अलग मिनिस्ट्री कर रही है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं आपको याद रखने हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना भी है कि कौन कौन से मेजर्स हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए। तो अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सारे के सारे मेजर्स जो हैं आपको मैं डिटेल में बता दूं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इसकी रिक्वायरमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इनके ऊपर वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। पहला है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, सेकेंड इज नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, उसके बाद में अमृत, जो कि बड़ा ही एक ज्यादा सवाल पूछा गया है अमृत के बारे में, अमृत की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, फिर है स्मार्ट सिटी मिशन, फिर है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम महानरेगा, इसके अंदर शहरों की मतलब एक एक ये एक ऐसी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर एक आपको काम दिया जाता है ना, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, 100 वर्क 100 डेज की आपको गारंटी मिलती है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा और आपके डेली बेसिस पर आपको वेजेस मिलेगी। तो ये जो प्रोग्राम होता है ना ये हर जगह अप्लीकेबल होता है, ऑलराइट। महानरेगा आपको याद रखना, एम नरेगा, एम जे नरेगा, और फिर है रिपेयर रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन स्कीम्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से मेजर्स लिए गए हैं वाटर पोल्यूशन को रोकने के। ओके, तो इस सेशन का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं ifasonline.com, साथ ही साथ अगर ये तो वेबसाइट है, अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो एप्लीकेशन भी हमारे प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है, आप आईएफएस ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन भी शो हो जाएगा, और जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपका नंबर मांगा जाएगा, उस पर ओटीपी आएगी, ये इसलिए है कि लेजिटिमेट स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन पहुंचे, ऑलराइट, स्पैम को रोकने के लिए ऐसी सुविधा है। उसके बाद में आपको कोर्स पूछा जाएगा कि आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूजीसी नेट से हैं तो नेट सेलेक्ट कीजिए, सेट से हैं तो सेट सेलेक्ट कर सकते हो, अगर उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप नेट ही सेलेक्ट कर लेना, और अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर को चूज कर सकते हैं। तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे 10 से 15 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी। तो आज का सेशन हम लोग यही एंड करेंगे, कल हम लोग मृदा प्रदूषण लेकर आएंगे, आज हम लोगों ने जल प्रदूषण को किया है, इससे पहले हम लोगों ने एयर पोल्यूशन को किया, तो ये सारे के सारे जो लेक्चर्स ये हो चुके हैं और दीज आर द अपकमिंग लेक्चर्स, तो आप इनको नोटिफाई मी कर लीजिए कि जैसे ये सेशन चालू होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो हम लोग ये जो आज वीकली जो सीरीज चल रही है, आज बुधवार है, गुरुवार शुक्र और शनिवार को ये आगे वाले तीनों टॉपिक्स लिए जाएंगे, तो शार्प 6 बजे जुड़ जाइएगा। आपके कोई सजेशंस हैं वो हमें दे सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस हो, अगर जो बच्चा लाइव देख रहा है वो तो पूछेगा ही, अगर जो बच्चे बाद में देख रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में करके बताए कि किन किन चीजों पर आपको वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए जरूर लेकर आए, ठीक है। तो फीडबैक इज रिक्वायर्ड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।